वेलकम टू आवर YouTube चैनल्स मोटिवेटर मिठू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के बारे में कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू देखें, साथ ही चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, आपका पहला चैप्टर है, यहाँ पे आप देख लीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसे लैंगिक जनन कहते हैं, जिससे हमारे बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स, जिनका नाम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जिसे हिंदी में अनुवांशिकी तथा विकास कहते हैं, जिससे हमारे बोर्ड एग्जाम में 18 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारे तीसरे हैं चैप्टर्स, जिनका नाम है बायोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर, जिसे हिंदी में जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण कहते हैं, जिससे हमारे बोर्ड एग्जाम में 18 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारे नेक्स्ट हैं यहाँ पर देख लीजिए आप अच्छा से, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, जिसे हिंदी में जैव प्रौद्योगिकी एवं इसका उपयोग, जिससे हमारे बोर्ड एग्जाम में 18 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारे लास्ट हैं, जिनका नाम है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जिसे हिंदी में पारिस्थितिक तथा पर्यावरण कहते हैं, जिससे हमारे बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल हो गया आपका 70 मार्क्स। अब दोस्तों, मैंने ये पांचों चैप्टर जो कि बता चुके हैं आपको, अब इन पांचों चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, कौन कौन से लेसन्स होते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं फिर वीडियो को आगे की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने जैसे कि आपको बोले रिप्रोडक्शन, यहाँ पर आप अच्छा से देख लीजिए, शायद आपको अच्छा से दिख नहीं रहा होगा, इसके लिए सॉरी, क्योंकि इसका क्वालिटी थोड़ा डाउन है। देखिए यहाँ पे देख लीजिए आप, रिप्रोडक्शन में ये 4 चैप्टर्स आते हैं। पहला जिनका नाम है, आप यहाँ से देख लीजिए, पहला चैप्टर है हमारे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे हम अच्छा से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा चैप्टर से हमारे यहाँ पे देख लीजिए आप, पहला चैप्टर से हमारे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तीसरा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चौथा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, ये आते हैं आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में। अब देखिए, अब नेक्स्ट चैप्टर हैं हमारे, जिनका नाम है यहाँ पर देख लीजिए आप, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जिसमें हमारे आते हैं 3 चैप्टर्स, वो कौन कौन, तो देखिए पहला है आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसके बाद है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसके बाद है इवोल्यूशन, ये हो गया आपका। इसके बाद है हमारे बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर्स में, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसमें आते हैं कौन कौन से चैप्टर्स, तो देख लीजिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसके बाद स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसके बाद है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो ये चैप्टर आते हैं इन चैप्टर्स में। इसके बाद हम आगे फिर आपको बता रहे हैं, इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आप बायोटेक्नोलॉजी, इस चैप्टर्स में आपको 2 चैप्टर्स आते हैं। तो पहला है चैप्टर्स बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेज, इसके बाद आते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, इसके बाद है हमारे आखिरी इकोलॉजी, जिसमें हमारे 4 चैप्टर्स आते हैं। पहला चैप्टर ऑर्गेनिज्म्स एंड पॉपुलेशंस, इसके बाद इकोसिस्टम्स, इसके बाद बायो डाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इसके बाद इन्वायरमेंटल इशूज। तो
तो ये चैप्टर्स हैं हमारे जो कि बायोलॉजी क्लास 12th में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप लोग वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए, और इस तरह का वीडियो अब पूरा चैप्टर्स में किस चैप्टर से पूरा यानी सब्जेक्ट में आपको आर्ट साइंस और कॉमर्स की सभी चीज़ मैंने बताने वाला हूँ, और आगे वीडियो आएंगे। मैं लगभग इसमें आपको मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री आपको इतना चीज़ मैं बता चुका हूँ, और ये है बायोलॉजी ये भी मैं बता चुका हूँ, इसके बाद और वीडियो आने वाले हैं। चलिए उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।